प्यारे बच्चों आजो सीखिए आज दी स्लाइड। बच्चों आज दी स्लाइड बहुत ही रोचक जानकारी लेके आई है। तो बच्चों आज दा दिन है सोमवार, आज दी मिति है 26 अक्टूबर 2020। आज दा विचार, तो बच्चों आज दा विचार है हर दिन सानू एक नवा मौका प्रदान करता है। हाँ जी बच्चों बहुत वधिया है आज दा विचार। देखो हर दिन नवा है, यह मुश्किलां वाला जरूर हो सकता है परंतु हमेशा वधिया हुंदा है। बस जे तुसी दिन नू सकारात्मकता नाल निभांदे हो तां यह तुहानू राहत दी भावना दिंदा है। बच्चो यह जिंदगी फुल्लां दी सेज है, मुश्किल बारे सोग करन दी बजाए दलेर दिल अते साफ दिमाग नाल हर नवे दिन विच अपना कदम रखो। कल जो बीत गया सो बीत गया, पर अज वधिया काम करन दा तुहाडे कोल मौका है। सानू अपनियां चोणां अनुसार चीजां नू नवीन करन ते ध्यान देना चाहिदा है क्योंकि हर दिन नवे सिरेओं शुरुआत करन दा नवा मौका हुंदा है, अपने आप नू सुधारन दा मार्गदर्शन प्रदान करदा है। इसलिए बच्चों हर दिन सानू एक नवा मौका प्रदान करदा है अते इस मौके दा सानू पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिदा है। चलो अगे वधिए ज्ञान विज्ञान दे प्रश्नां वल। तां बच्चों ज्ञान विज्ञान दा पहला प्रश्न है, बाबा साहिब किस देश भगत नू कहा जांदा है? तां बच्चों इसका सही उत्तर है भीम राव अंबेडकर जी नू। हाँ जी बच्चों इन्हां बारे थोड़ी जानकारी लो। भीम राव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी विच शहर महाऊ जो कि हुन मध्य प्रदेश विच है विखे होया। यह एक भारतीय कानून साज, अर्थशास्त्री, राजनीतिवान अते समाज सुधारक सी। इन्हां ने दलित वर्ग लहर नू प्रेरित किता, भाव इन्हां ने दलित वर्गा नू उच्चा चुकन की कोशिश कीती। यह भारतीय संविधान दे निर्माता 29 अगस्त 1947 नू इन्हां ने खरड़ा कमेटी दा चेयरमैन नियुक्त किता। इन्हां ने 60 देशां दे संविधान दी पढ़ाई कीती हुई है। इन्हां ने जात पात, छुआछात आदि समाजिक बुराइयां दा नाम निशान खत्म कर दिता अते अखीर डायबिटीज दे मरीज होन करके 6 दिसंबर 1956 ईस्वी विच यह स्वर्ग सिधार गए। चलो अगे वधिए अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा कविता किस दी रचना है? तां बच्चों इसका सही उत्तर है मुहम्मद इकबाल। इन्हां बारे थोड़ी जानकारी लो। इन्हां दा जन्म 9 नवंबर 1877 ईस्वी विच सियालकोट विखे होया। बच्चो सारे जहां से अच्छा कविता मुहम्मद इकबाल जी ने 1904 विच लिखी। यह देश प्यार दी एक गजल है। इस नू गैर रस्मी तौर ते भारत दे राष्ट्रीय गीत दा दर्जा प्राप्त है। ध्यान नाल सुनो बच्चो, इस नू गैर रस्मी तौर ते भारत दे राष्ट्रीय गीत दा दर्जा प्राप्त है। चलो अगे वधिए अगला प्रश्न, 8वें देसी महीने दा नां की है? तां बच्चो आपां पहला 7 देसी महीने बारे पढ़ चुके हां, तां ओ 7 महीने तुहाडे सामने ने, चेत, विसाख, जेठ, हाड़, साउन, पादो। हाँ जी तां बच्चो 7वां अपना जो देसी महीना है ओ है पादो, ते अगो 8वां ओ है देसी महीना अपना कत्तक। इस महीने बारे थोड़ी जानकारी लो। यह महीने दे 30 दिन हुंदे हन। यह 15 अक्टूबर तो 13 नवंबर दे विचाले आउंदा है। इस महीने दे खास दिना बारे जानकारी लो कि 6 कत्तक नू गुरु हर राय जी ज्योति ज्योत समाये सन अते 6 कत्तक नू ही गुरु हर कृष्ण जी नू गुरुगद्दी मिली सी अते 7 कत्तक नू गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये सन। चलो अगे वधिए अगला प्रश्न, रोमन अंक प्रणाली विच 41 नू किवें लिखिया जांदा है? ता बच्चो ए है रोमन अंक प्रणाली दा चार्ट तुहाडे सामने। ता इस विच 41 नू XL1 दे रूप विच लिखिया जांदा है। चलो अगे वधिए अगला प्रश्न, 60 सेंटीमीटर विच किन्ने फुट हुंदे हन? हां जी बच्चो 60 सेंटीमीटर, जे आपां 30 सेंटीमीटर दी गल करिए ता 30 सेंटीमीटर विच 1 फुट हुंदा है ते 60 सेंटीमीटर विच 2 फुट हुंदे हन। चलो अगे वधिए आओ बुझिए। ता बच्चो
ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਹੱਥੀ ਬੀਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੁੱਝੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ। ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਹੱਥੀ ਬੀਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਬੀਜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀਜੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਅੱਖਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਮਾਲ। ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਰਜ। ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਰੈਸ਼। ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟੇਲ। ਸਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡਰਟੀ। ਡਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ।